सद्गुरु कबीर की मौलिक वाणी बीजक में 11 प्रकरण हैं। उनमें एक प्रकरण है बेली। पहली बेली में सद्गुरु कबीर कहते हैं, बेली पर एक पत्र बहुत लंबा है, शुरुआत की कुछ पंक्तियों पर मैं चर्चा करूंगा। वे कहते हैं, हंसा सरवर शरीर में हो रमैया राम, जागत चोर घर मुंह से ही हो रमैया राम, जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोवत गैल बिगोय हो रमैया राम, आज बसेरा नीरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। पहले इन्हीं पंक्ति पर चर्चा करें, फिर आगे देखेंगे। इस पद के हर पंक्ति पर रमैया राम को साहब संबोधित करते हैं। और रमैया राम कौन? जिस राम को सद्गुरु कबीर संबोधित करते हैं, वह राम प्रत्येक घट में रमा हुआ है। कबीर का राम आकाश पाताल में नहीं, कबीर का राम घट घट में। उन्होंने जिन राम की बात कही है, वह राम राम में भी था, भद्रत्न भी था, रावण में भी था, कुंभकर्ण में भी था, हनुमान अंगद बाली सुग्रीव में भी था, सीता कौशल्या कैकेयी मंथरा में भी था, और वह राम पशु पक्षी कृमि कीट में भी, फिर मनुष्य में तो होगा ही होगा। उसका प्रगतिकरण मानव शरीर में होता है। इस शरीर में जो चेतना है, जो जीव है, आत्मा है, उसको कबीर साहब ने राम भी कहा। और कबीर साहब ने नहीं, अन्य संतों ने भी कहा है। क्यों राम कहा है? राम किसे कहते हैं? परिभाषा दी गई है, रमे निरंतर आत्मा सबघट आठों याम, याही से संतन धरा राम तासुका नाम, सभी घटों में सब समय निरंतर जो रमन कर रहा है, निवास कर रहा है, उस जीव को, आत्मा को रमन करने के कारण से संतों ने राम कहकर पुकारा है। आपको राम को पाने के लिए, या जिस नाम से आप कहोगे पाने के लिए, कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की और खोजने की आवश्यकता नहीं है। वह खोया नहीं है, नित्य प्राप्त है। करना क्या है? अपने मन को, अपने जीवन को निर्मल करना है। हंसा सरवर शरीर में, साहब कहते हैं, ऐ हंस, तुम्हारा प्राप्तव्य, तुम्हारा राम इस शरीर सरोवर में है। हम अपने मन को, जीवन को निर्मल करने का काम नहीं करते,
बाहर खोजते हैं राम को। बाहर राम होगा भी तो उसका अनुभव तभी होगा जब हमारा मन निर्मल स्वच्छ होगा, निर्दोष होगा, निर्विकार होगा। मुंडक उपनिषद में ऋषि ने आत्मलाभ करने की जब बात कही तो जिज्ञासुओं ने पूछा कि महाराज आप जिस आत्मा की बात कह रहे हो, जिस राम की बात कह रहे हो, उपनिषद में राम शब्द नहीं आया है, वहां तो आत्मा शब्द है या कहीं ब्रह्म है, चेतन शब्द का ही प्रयोग कम हुआ है। उपनिषदों में ज्यादातर आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है या पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ है, तो वहां पुरुष का मतलब ये स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं है, पुरुषेते पुरुषः, शरीर रूपी पूर्व में, शरीर रूपी गांव में जो निवास करता है जीव वह पुरुष है, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। तो जिज्ञासुओं ने पूछा कि आप जिस आत्मा की बात कर रहे हैं वो आत्मा है कहाँ और कैसे मिलेगा, साधन क्या है? तब ऋषि ने वहां चार शर्तें बताई है और जीवन को क्षीण दोष निर्दोष बनाने की बात कही है। ऋषि कहते हैं सत्येन लभ्यस्तपसा हेत आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येन नित्यम अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यम पश्यन्ति यतिया क्षीण दोषा। पहली शर्त है सत्य, सत्य का ज्ञान हो, सतता पूर्ण वाणी हो, सतता पूर्ण भावना हो और सतता पूर्ण आचरण हो। ज्ञान सतता पूर्ण कौन है? जो ज्ञान प्रकृति की कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल हो, विश्व के शाश्वत नियमों के अनुकूल हो, जड़ तत्वों के गुणधर्मों के अनुकूल हो और विवेक पूर्वक हो, वह ज्ञान सत्य ज्ञान है। ऐसे ज्ञान में अंधविश्वास नहीं होता, मिथ्या महिमा नहीं होती, चमत्कार का प्रदर्शन नहीं होता। चमत्कार ही नहीं होता तो प्रदर्शन की बात कहां से आएगी? पाप काटने के लिए सस्ता नुस्खा नहीं होता, वह ज्ञान सही ज्ञान हो। फिर उस ज्ञान के अनुसार से हमारी वाणी सत्यता पूर्ण, जो बोले सच बोले, छल कपट रहित निश्चल भाव से, जो दूसरे के लिए हितकर हो वो सत्य बोले। और फिर हमारी भावना हो, सच तो बोल रहे हैं लेकिन सत्य बोलने में हमारी भावना गलत है, इसका नुकसान हो तो वो सत्य नहीं होगा। और फिर जैसा हमारा ज्ञान है उस ज्ञान के अनुसार जीवन का आचरण हो। हम जानते कुछ हों, मानते कुछ हों, कहते कुछ हों और करते कुछ हों तो फिर सत्य का आचरण नहीं होगा, फिर आत्मलाभ नहीं होगा, ब्रह्म लाभ परमात्मा लाभ नहीं होगा। परमात्मा सत्य है और सत्य परमात्मा को झूठाई के रास्ते से नहीं पाया जा सकता है। झूठाई के रास्ते से जो मिलेगा वो चीज झूठी होगी, मिलेगी और छूट जाएगी। सत्य को सत्य द्वारा ही पाया जा सकता है। पाना चाहते हैं सत्य, कहते हैं हमारा ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, परमात्मा सत्य है। भूखा रहना, नंगा रहना, मौनी हो जाना, खरसरी रहना, पानी में डूबे रहना, ये सब तप नहीं है, काया कष्ट है। काया कष्ट से प्रसिद्धि फैल जाएगी कि बाबा बड़े बैरागी हैं, तपस्वी हैं, लोग आएंगे
सम्मान करेंगे, पूजा चढ़ाएंगे, पैसा देंगे, कपड़ा देंगे और कुछ करेंगे, लेकिन सत्य छूट जाएगा, काया कष्ट नहीं, सहनशीलता। कौन सी सहनशीलता? सत्य धर्म के रास्ते में जो भी कठिनाई आए, डिगो मत, घबराओ मत, सत्य के रास्ते पर चलो। जीवन ऐसा है, इसमें सब कुछ सुख सुख नहीं होता, अनुकूल अनुकूल नहीं होता, सुखद नहीं होता। आज अनुकूलता है, कल प्रतिकूलता आएगी, आज लाभ है, कल हानि होगी, आज जन्म है किसी का घर में, कल मौत भी होगी। जो हम नहीं चाहते हैं वो सब कुछ होगा। उन सब को चिंता से, विलाप से, प्रतिक्रिया की भावना से रहित होकर सहन करना, ये तप है। विवेक चूड़ामणि में स्वामी शंकराचार्य कहते हैं, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम साति शिक्षा निगद्यते। सहनम सर्व दुखानाम, सभी दुखों को सहन करना, कैसे? अप्रतिकार पूर्वकम, प्रतिक्रिया की भावना से रहित, बदला लेने की भावना से रहित होकर, और चिंता विलाप रहितम, चिंता से रहित होकर और विलाप से रहित होकर। दुख आया, सहन करो, रो मत, रोने से दुख दूर नहीं हो जाएगा, चिंता से दुख दूर नहीं हो जाएगा, बदला लेने से दुख दूर नहीं हो जाएगा और बढ़ जाएगा। तो तप है सत्य धर्म के रास्ते में आने वाली जो कठिनाइयां हैं, विघ्न बाधाएं हैं, उनको सहन करना, लेकिन सत्य को न छोड़ना। सब छूट जाए, यहां तक शरीर छूटने की भी नौबत आ जाए, शरीर छूट भी जाए तो भी सत्य धर्म को मत छोड़ो। शरीर तो छूटेगा छूटेगा, आदमी तो कल छूटेगा, और सत्य छूट गया तब तो फिर पता नहीं कितने जन्म तक बिगड़ता चला जाएगा। तीसरी शर्त है सम्यक ज्ञान, जो जैसा है उसको वैसा जानना, कर्तव्य और अकर्तव्य का, सार और सार का, अपने और पराये का सही ज्ञान। फिर नित्य का ब्रह्मचर्य, ये चार शर्तें जब पूरी होगी तब उस परमात्मा का, आत्मा का लाभ होगा, साक्षात्कार होगा। जिज्ञासु ने पूछा, महाराज ये तो बात हो गई चार शर्तों को पूरा करने के, लेकिन जिस आत्मा परमात्मा भगवान की आप बात कर रहे हो वो है कहां, कैसा है? ऋषि कहते हैं अंतः शरीरे, इस शरीर के भीतर है, बाहर नहीं। ऋग्वेद में जहां विराट पुरुष का वर्णन है, गीता में भी विराट पुरुष, गीता का विराट पुरुष महिमा पूर्ण है, ऋग्वेद का विराट पुरुष एक हकीकत है। तो ऋग्वेद में जहां विराट पुरुष का वर्णन है, वहां वर्णन करते हुए ऋषि कहते हैं सहस्र शीर्षा पुरुषा सुरक्षा सहस्र पाद सब भूमो विशतो वृत्ता तिष्ठ दिशांगुलम। उस विराट पुरुष के हजारों पैर हैं, हजारों सिर हैं, हजारों आंखें हैं, सहस्र शीर्षा हजारों पैर, सहस्र चक्षु हजारों आंखें, सहस्र पार्श्व हजारों पैर। कैसा वह? सब भूमि विश्वतो वृत्त्वात्, वह भूमि में सब तरफ से फैला हुआ है, लेकिन बैठा कहां है? अतितिष्ठत दशांगुलम, सब तरफ से फैला हुआ तो है लेकिन बैठा हुआ है दस अंगुल के ऊपर। वो दस अंगुल कौन? नाभि से आप मांगी नापिय, दस अंगुल तो आपको आता है हृदय। ये जितने पुरुष हैं वो विराट पुरुष कौन? ये प्राणियों का समूह,
शयनाचार्य ने ऋग्वेद का जो भाष्य किया है उसमें यही कहा गया है कि यहाँ जो व्यापक कहा गया है ये प्राणियों का जो समूह है ये विराट पुरुष और ये बैठा कहाँ है वो आत्मा अति तिष्ठ दशांगुलम नाभि से दस अंगुल ऊपर हृदय में बैठा हुआ है। इसलिए बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। ऋषि कहते हैं अंतः शरीर इस शरीर के भीतर बैठा हुआ है बाहर नहीं। जिसे भी अनुभव हुआ है जिसे ने भी साक्षात्कार किया है तो शरीर के अंदर कैसा है ज्योतिर्मय ही शुभ्रो ज्योतिर्मय ज्ञान स्वरूप है शुभ्र है प्रकाश रूप निर्मल है। जीव का स्वरूप ही है ज्ञान। छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनमें भी ज्ञान होता है। अब उनका ज्ञान सीमित होता है। कई बार आप लोगों का अनुभव होगा आपने देखा होगा किताब खोलते हैं पढ़ने के लिए उसे बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं इतने छोटे कीड़े होते हैं कि पकड़ना मुश्किल। सोचते हैं कि पलटा पलटे कि ये कीड़े दब जाएंगे तो मर जाएंगे क्या करें तो पकड़ तो सकते नहीं हैं फूंकते हैं तो इतना चिपक जाते हैं उसमें कि अब फूंकते रह जाओ टस मस नहीं होता। उसमें भी ज्ञान हो गया ना कि मेरे पर खतरा है। तो जीव का स्वरूप ही है ज्ञान। तो वह ज्योतिर्मय मतलब ज्ञान स्वरूप है वह। जानने का गुण शरीर में नहीं है जानने का गुण उस शरीर में रहने वाले जीव में है। और शुभ्र वह कैसा है निर्मल है। जब शरीर के भीतर है तो देखेगा कौन साक्षात्कार कौन करेगा। ऋषि कहते हैं यम पश्यंत यतिया छिन्न दोषा उसे वह देखेगा जो यत्न पूर्वक धीरे धीरे साधना करते करते अपने दोषों को बिल्कुल क्षीण निर्मूल कर दिया हो। मन पूरी तरह से निर्मल निर्विकार निर्दोष तब अनुभव होगा। अब मन में काई जमी हुई है तो कहीं चले जाओ अनुभव नहीं होना है। इस मर ये जो मर रूपी दर्पण है इसमें जो काई जमी है मैल जमा है धूल जमी है वो क्या है हमारे दोष दुर्गुण दुराचरण अनेक प्रकार के विकार इनको ठीक करना होगा। जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए। जब दर्पण लागी काई तो दर्द कहाँ से पाए। सदगुरु कबीर एकदम आपकी भाषा में कहते हैं सरल भाषा में यदि उस आत्मा परमात्मा का दर्शन करना चाहते हो तो मन रूपी दर्पण को मांजो तो मन दर्पण कहलाए भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। ये सिनेमा का गीत है लेकिन यथार्थ गीत है। मरुपी दर्पण में मैल जमा हुआ है काई जमी हुई है कहीं चले जाओ आत्मा लाभ नहीं होगा आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। और जहां है वहीं धीरे धीरे यत्न करते करते मेहनत करते करते जीवन का व्यवहार करते करते मन दर्पण को मांजिए निर्मल बनाइए फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस राम को ब्रह्म को खुदा को गाड को परमात्मा को आत्मा को आप खोजना चाहते हैं उसका अनुभव हो जाएगा। सदगुरु कबीर कहते हैं यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जब मन गंगा पानी समान निर्मल हो गया गंगा उस समय निर्मल रही जब कबीर साहब के जमाने में। अब आज तो
राम तेरी गंगा मैली लोग कहते हैं। तो गंगा निर्मल मतलब शुद्ध पानी। जब मन पूरी तरह निर्मल हो जाए तो आप जहां जाओगे आपको भगवान खोजना नहीं पड़ेगा, आपके पीछे पीछे भगवान खोजेगा। पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर, कबीर तो आप कहते हैं मैं हरि को नहीं खोजता, हरि मुझे खोजते हैं। मैं हरि को नहीं पुकारता, हरि मुझे पुकारता है। मतलब क्या है? जिसका मन निर्मल हो गया, जीवन निर्मल हो गया, उसे हरि मिल गया, मिला मिलाया है। कहाँ मिला? सर्वर शरीर में, अंत शरीर। ऋषि कहते हैं अंत शरीर, कबीर साहब कहते हैं सर्वर शरीर। बात तो एक ही है, यही छिपा है वो। और जो शरीर के भीतर बैठा हुआ है, ये जो जी बैठा है, यही महान है। है तो ये अत्यंत सूक्ष्म। सत्ता की दृष्टि से देखोगे, अस्तित्व की दृष्टि से देखोगे तो अत्यंत सूक्ष्म। कितना सूक्ष्म है बताना मुश्किल। उपनिषदों में बात आई है, जिज्ञासुओं ने पूछा ऋषियों से कि आप बार बार कहते हो कि आत्मा को देखो, आत्मा को देखो, आत्मा साक्षात्कार करो, आत्मा लाभ करो। वो कैसा है वो आत्मा? कितना बड़ा है? कितना स्वरूप है? अब प्रश्न किया गया है कि उसका आकार प्रकार कितना बड़ा है। अब प्रश्न उत्तर तो देना पड़ेगा। तो ऋषि ने कह दिया ये तुम्हारा जो बाल है, बाल का जो नोक है ना, उसके सौ में ही से बराबर आत्मा है। अब नापोगे क्या? विश्वास नहीं तो नाप करके देख लो। तो कहने का तरीका है, मतलब यह है वो अत्यंत सूक्ष्म है। कैसे सूक्ष्म है? सत्ता अस्तित्व की दृष्टि से अत्यंत सूक्ष्म है, लेकिन गुणों की दृष्टि से महान से महान है। अरोड़ अड़ियान महतो महीयान आत्मा से जंतो निहितो गुहायान तमकृतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान मात्मन। ये उपनिषद के ऋषि कहते हैं ये आत्मा, ये जीव अस्तित्व दृष्टि से अणु से भी अणु सूक्ष्मतम, इससे सूक्ष्म कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं कि आत्मा को दिखाओ, देखोगे कैसे? भौतिक आत्मा को नहीं, अभौतिक आत्मा को भौतिक आंखों से देखोगे कैसे? वो तो तुम ही हो देखने वाला। जो कहता है कि मैं आत्मा को देखना चाहता हूं, वो कौन है? आप ही तो आत्मा है ना, आप तो है ना, तो आप कौन है? मैं हूं बस। ये बोध ही उसको देखना साक्षात्कार कर, लेकिन कैसे? आगे ऋषि कहते हैं तो सत्ता दृष्टि से अणु से भी अणु है, लेकिन गुण की दृष्टि से महान महतो महीयान आत्माश जंतो निहितो गुहायान। वो जो महान आत्मा है सभी प्राणियों के हृदय गुफा में बैठा हुआ है। आत्माश जंतो निहितो गुहायाम, गुहा गुफा, कौन गुफा? हृदय गुफा। देखिएगा कौन? तम कर्त पश्यति वीत शोको, जो अकृत हो गया है सारे कर्म प्रपंचों से ऊपर, कर्म करते हुए भी जिसका मन कर्मों में लिपायमान नहीं होता है। कर्म करे और रहे अकर्मी, कबीर साहब कहते हैं काम करो लेकिन कहीं डूबो मत, कहीं मोह ना बनाओ, लोभ ना बनाओ, आसक्ति ना बनाओ, कामना ना बनाओ, और विद शोक हो जाओ, शोक और मोह से ऊपर जब हो जाओगे तब देखोगे। कैसे देखोगे? धातु प्रसादान मात्मना, धातु के प्रसाद होने पर। धातु का अर्थ होता है धारण करने वाला,
और प्रसाद का अर्थ, यदि मैंने कहा तो प्रसाद के दो अर्थ खास, एक प्रसाद का अर्थ है कृपा आशीर्वाद और दूसरा अर्थ है निर्मलता पवित्रता। स्वामी शंकराचार्य ने इस मंत्र का भाष्य करते हुए कहा है, धातु है हमारा मन और शरीर की इंद्रियां, आंख नाक कान जीभ त्वचा, ये धातु हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे जीवन को शरीर को धारण करने वाले हैं, इसलिए ये धातु है। तो प्रसाद निर्मल पवित्र, जब मन और इंद्री, मन और इंद्रियां निर्मल हो जाएंगे तब उस आत्मा का साक्षात्कार करना है, चाहे वेद के ऋषि हो, चाहे उपनिषद के ऋषि हो, चाहे कबीर साहब हो, तीनों एक जैसी बात कहते हैं। कुल मिलाकर के बात इतनी है, भटकने की आवश्यकता कहीं नहीं है, आवश्यकता है जीवन को शोधने की और परिमार्जन करने की। जितना जीव उतना हमारा जीवन, हमारा मन, हमारी वाणी, हमारे कर्म, हमारे मन इंद्रियां परिशोधित और परिमार्जित होते चले जाएंगे, उतना उतना ही आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार जो कहो वो सब होता जाएगा। और गंदा है मन तब तो फिर कहीं चले जाओ, गंदगी लेकर के जाओगे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो हंसा सर्वर शरीर में हो रमैया राम, साहब कहते हैं ऐ रमैया राम, जिसे तुम खोदते हो शरीर के भीतर है और तुम्हारा निवास इस शरीर के भीतर ही है। लेकिन है दुर्भाग्य क्या हुआ, जागत चोर घर मुंह से ही हो रमैया राम। जैसे किसी घर का मालिक रात में जाग रहा हो या दिन में ही जाग रहा हो और घर में चोर घुस जाए और चोर घुस करके सारा माल रबाब गहने जेवरात रुपये पैसे चुरा करके ले जाए, तो जागने का मतलब क्या हो, मालिक ना हो घर में, सुना घर हो चोरी हो जाए, बात समझ में आती है। घर वाले बिल्कुल सो गए हों प्रगाढ़ निद्रा में, चोरी हो जाए, बात समझ में आती है। लेकिन घर का मालिक घर में है और जाग रहा है फिर भी चोरी हो रही है, ये दुखद बात है। एक घर में रात में चोर घुसे, घर वाला मालिक पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी करता था, पुलिस की नौकरी थी, चोर घुसे, खटपट हुई, मालिक की पत्नी ने कहा देखो जी लगता है घर में खटपट हो रही है, कोई चोर घुस गए हैं। उसने कहा तुम घबराओ क्यों, मैं भी सुन रहा हूं, जान रहा हूं, देख भी रहा हूं, सुनते भी पुलिस का आदमी, कोई इसके पास युक्ति होगी। चोर घुसे, दरवाजा तोड़े, घुसे और उस कमरे में गए जहां रुपये पैसे गहने जेवरात सब रखे थे। उसकी पत्नी ने कहा देखो उस कमरे, चोर वहां जा रहे हैं जहां तक गहने वर रखे हुए हैं, वहीं कपड़े रुपये पैसे रखे हैं। उसने कहा अरे तुम घबराती क्यों हो, मैं देख रहा हूं, जान रहा हूं। फिर चोर घुसे ताला तोड़कर और जितने गहने जेवरात थे रुपये पैसे से सब गठरी बांधे और निकलना चाहे। उसकी पत्नी ने कहा अरे वो चोर सब माल अखबार लेकर के गठरी बांधे जा रहे हैं। तो कहा अरे मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, तुम घबराते क्यों हो। चोर फिर निकल गए घर से बाहर। तो उसकी पत्नी ने कहा अरे चोर तो सब लेकर भाग गए। पुलिस आदमी ने कहा टाइम क्या हुआ है, कि अभी तो सुबह की 4 बजे। उन्होंने कहा सो जा, मेरी ड्यूटी 8 बजे है अभी। कैसे पुलिस 8 बजे ड्यूटी में पकड़ेगा ना, अभी थोड़े पकड़ लेगा। ऐसे हम भी कहते हैं महाराज इतनी जल्दी थोड़े भजन करें, बुढ़ापे में भजन करेंगे, ड्यूटी 8 बजे शुरू होगी, ड्यूटी भजन ड्यूटी बुढ़ापे में शुरू हो जाएगी। और तब तो मार चुरा चुरा कर भाग गया चोर। जागत चोर घर मुंह सही, ये जीव ज्ञान स्वरूप है, जागृत स्वरूप है, लेकिन हृदय घर में चोरी हो रही है। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष बैर विरोध, ये चोर
हमारे हृदय के ज्ञान धन को, शांति धन को, प्रसन्नता धन को, निश्चिंता धन को रोज चुरा रहे हैं, रोज चुरा रहे हैं। तेरी गठरी में लागे चोर बटोहिया क्या सोए। किसी बटोही की गठरी में धन है, उसको चुराने के लिए चोर लगे हुए हैं और हम सो रहे हैं। वो बटोही दूसरा नहीं है, हम ही बटोही हैं। जानते हैं ये काम गलत, फिर भी कर रहे हैं। जानते हैं नहीं खाना चाहिए, फिर भी खा रहे हैं। जानते हैं ये बात गलत है, नहीं सोचना चाहिए, फिर भी सोच रहे हैं। ये तो जागते जागते चोरी हो गई ना। जितने नशा दूसरे प्रसन्न करने वाले उनसे पूछो, किसी शराबी से पूछो, शराब पीने से क्या फायदा है, कहेगा फायदा कुछ नहीं है, केवल नुकसान है। जान रहा है ना, फिर भी पी रहा है ना, चोरी हो रही कि नहीं हो रही है। बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, गांजा पीने वाले, तंबाकू गुटखा खाने पीने खाने वाले, पूछो इन्हें खाने पीने से क्या फायदा है, कि महाराज फायदा कुछ नहीं, नुकसान है। नुकसान है फिर भी खा रहे हो, चोरी हो रही कि नहीं हो रही। जानते हो कि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी मौत आ सकती है, फिर भी कहते महाराज इतनी जल्दी क्या करें, अभी तो ये काम करना है, वो काम करना है, वो काम करना है, सब हो जाएगा तो बुढ़ापा में भजन करेंगे, गारंटी सर्टिफिकेट लेकर आए हैं बुढ़ापा तक। अब जब भगवान ने सर्टिफिकेट दे दिया बुढ़ापा तक जीने के लिए, तो अभी इतने जल्दी करना क्या है। कोई ये नहीं कहता अरे भाई इतनी जल्दी क्या है, बूढ़े हो जाएंगे तब बीड़ी पी लेंगे, अभी जवानी में अभी पी करके क्या करेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तब झूठ बोलेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तो शराब पी लेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तो जुआ खेल लेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तो लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, सारे कुकर्म जवानी में। और जब हाथ पैर जवाब दे देंगे, आंख दिखाई नहीं पड़ेगा, तब भजन बुढ़ापा में। ये तो चोरी हो रही है रात दिन। जागत चोर घर मुंह देता है, कहते हैं तुम जाग रहे हो, ये मानव शरीर जागने की भूमिका है। और यही आदमी सर्वाधिक दुखी है। जितना दुखी, जितना परेशान, जितना चिंतित और तनाव में आदमी है, कोई जानवर नहीं है। क्यों? जागते जागते चोरी हो रही है। जानवरों का तो जो कुछ है सब नैसर्गिक है, नेचुरल, प्राकृतिक है। यहां तो जागने की भूमिका है ना। और यहां दुखी कितना आदमी। किसी जानवर को चिंता तो है ही नहीं, जानवर को कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, जानवर को कोई टेंशन नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। और आदमी को देखो, शिकायत, चिंता, तनाव और कितनी कितनी बीमारियां, ये तो जागते जागते चोरी हो रही है। बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े प्रोफेसर, बड़े इंजीनियर, बड़े वकील, बड़े डॉक्टर, बड़े जज, बड़े मिनिस्टर, और रात दिन चिंता में, भयभीत भय में जी रहे हैं, तनाव की शिकायत में डूबे हुए हैं। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाग रहे हो? ये जागना काम नहीं आएगा। रात दिन तुम्हारे घर में चोरी हो रही है, तुम्हारा शांति धन, सुख का, निश्चिंता का, निर्भयता का धन बराबर चुरा चुरा करके चोर ले जा रहे हैं। जागने का अर्थ क्या है? सदगुरु कबीर कहते हैं, जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोवत गैल बिगोय हो रमैया राम। जागने का अर्थ है भागना। कहाँ भागोगे, कैसे भागोगे, और भाग करके जाओगे कहाँ? यहां से भाग गए तो कहाँ जाओगे? किसी के यहां तो जाओगे। मरना यहां, जीना यहां, इसके सिवा जाना कहां? सब कुछ तो यही है दुनिया में। लेकिन भागने का अर्थ क्या है? जो जागल सो भागल, साहब कहते हैं जागने का अर्थ है भागना। किससे भागना? अपने जीवन की गलतियों से, दोषों से, दुर्गुणों से, दुराचरणों से, कुकर्मों से भागना। क्रोध से भागो, लंपटता से भागो, लोभ मोह से भागो, राग द्वेष से भागो। मतलब
जिन जिन कर्मों से, जिस खान पान से, जिस आचरण से, जिस व्यवहार से, जिस चिंतन से दुख होता है, उनको त्याग देना ही भागना है। यदि मैंने कहा था आप गांजा भांग बीड़ी सिगरेट शराब गुटखा इनको छोड़ दो, गाली गलौज लड़ाई झगड़ा मारपीट बैर विरोध इनको छोड़ दो, आपकी गृहस्थी का कौन सा काम बिगड़ जाएगा, नौकरी का, खेती का, व्यापार का कौन सा काम बिगड़ जाएगा, अच्छा और बन जाएगा। इनसे तो भागो। भागने का मतलब है जिन जिन कर्मों से, व्यवहार से हमें तकलीफ होती है, वही उन सब का त्याग कर देना भागना है, और कहीं भागना नहीं है। जहां है, जिस घर में है, वहीं रहो, लेकिन वहां रहकर प्रेम से रहो, समता से रहो, सेवा करके रहो, प्रसन्न होकर के रहो, मीठी वाणी बोलकर रहो, पर जाग गए, कड़वी वाणी बोलना छोड़ दिए, जाग गए, मीठी वाणी बोल रहे हैं, जाग गए, लड़ाई करते झगड़ा करते थे, सोए हुए हैं, लड़ाई झगड़ा छोड़ करके प्रेम समता से जी रहे हैं, जाग गए। तो जागने का अर्थ है भागना। किससे भागना? दोषों से, दुर्गुणों से, दुराचरणों से, दुर्व्यसनों से, कुल मिलाकर के कुकर्मों से, और अपने मन के अज्ञान से, मन की चालाकी से भागना, ये जागने का अर्थ है, ये ज्ञान का अर्थ है। और ये जाग जाना, जब जागे तभी तबरा, कभी भी आप जाग सकते हो। सोवत गैल बिगोए, सो जाओगे तब जो कुछ धन है सब लूट जाएगा। आज तक क्या हुआ, सब कुछ तो लूटा है आपका, घर में प्रेम नहीं है, समता नहीं, शांति नहीं है, कलह में जी रहे हो, विवाद कर करके जी, लड़ करके जी रहे हो, कुड़ कर करके जी रहे हो, कहाँ जाग रहे हो, सो तो रहे हो, जब भी सोओगे वहां सब कुछ नष्ट हो जाएगा। प्रेम सो गया, क्रोध जग गया, क्या होगा परिणाम घर में? संतोष सो गया, लोभ जाग गया, जब संतोष हो जाएगा तो लोभ जग जाएगा, जब प्रेम जग सो जाएगा तो क्रोध जग जाएगा, परिणाम क्या होगा? खो जाना, बिगड़ जाना। सोते सोते अनादिकाल से तो आए हैं जगने की भूमिका, आज जगना पड़ेगा, आज और अभी। ईच यदि वेदि सत्यमस्ति नाच यदि हा वेदि महति विनश, ऋषि कहते हैं आज जग जाओ, आज चेक जाओ तो महाकल्याण है, सत्य मिल जाएगा। नाच यदि हा वेदि महति विनश, यदि आज नहीं जागे, आज सावधान नहीं हुए तो महाविनाश है। जागने का मतलब है सावधान। जाग के खाने बैठे, जाग करके खाओगे, ज्यादा नहीं खाओगे, गलत नहीं खाओगे, समय वृद्ध नहीं खाओगे, अधिक मिर्च मसाले नहीं खाओगे, और जब सो जाओगे तब ज्यादा खा लोगे, नहीं खाना चाहिए वो खा लोगे। ये साधारण सी बात है ना। सोने का मतलब है खोना, जागने का मतलब है पाना। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहा जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जागने का मतलब है पाना, सावधान हो जाना। जो जागेगा वो राम को पाएगा। मोहनी से जाग गए, राम मिल गया, मोहनी में सो गए, राम खो गया, फर्क इतना ही है। राम को, ब्रह्म को, परमात्मा को वह पाया है जिसने मोह की, अज्ञान की, अविद्या की नींद को तोड़कर तोड़ दिया, और उसका राम परमात्मा दूर हो गया जो मोह अज्ञान अविद्या की नींद में सो रहा है। ये आलस्य मूर्ता प्रमाद, ये सोना है, इनको त्याग देना जागना है। और आलस मूर्ता प्रमाद में सोना, हम समय आलस्य में, मूर्ता में, प्रमाद में, राग द्वेष में लिपटे रहना, यही कलयुग में निवास करना है। जाग जाना, सेवा परायण रहना, कर्तव्य परायण रहना, प्रेम में जीना, समता में जीना, ये सतयुग में जीना है। कलयुग सतयुग कहीं बाहर नहीं है,
कभी वो जमाना भी नहीं था जैसे लोग कहते हैं कि चार युग था सतयुग में सब पुण्य ही पुण्य था, त्रेता में पुण्य थोड़ा घटा, एक चरण पुण्य घट गया अब पाप आ गया, द्वापर में आधा पुण्य आधा पाप, कलयुग में तीन चरण पाप एक चरण पुण्य, ऐसा कलयुग सतयुग कभी नहीं हुआ है। वेदों में सातों में उपनिषदों में ऐसे किसी युग का वर्णन नहीं है। चारों में तो ऊपर कर आप देख सकते हो, उपनिषदों को पढ़ लो, छह शास्त्रों को पढ़ लो कर लो, और धर्म सूत्र गृह सूत्र सौत सूत्र ये वैदिक साहित्यों पढ़ लो, ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ लो, कहीं भी आपको ये चारों युगों का नाम भी नहीं मिलने वाला है। ये चारों युग आपकी जीवन में है, हमारे जीवन में रोज रोज है। चारों युगों का नाम पहली बार ऐतरे ब्राह्मण नाम के ग्रंथ में आया है। ब्राह्मण नाम के ग्रंथ होते हैं कई, बहुत से ग्रंथ हैं ब्राह्मण नाम के, उनमें ऐतरे ब्राह्मण में चारों युगों का नाम पहली बार आया है। ऋषि कहते हैं कलिशयानो भवत संजिहानस्त द्वापरा उत्तीर समत्रेता भवत कृतम संपदति चरण। कलि शयानो भवत, कलयुग सोया हुआ है, द्वापर जगा हुआ है, त्रेता खड़ा हुआ है, और सतयुग गतिशील है, चल रहा है। इसका अर्थ क्या है? जब हम आलस्य में प्रमाद में मूर्ता में राग द्वेष में बैर विरोध में डूबे रहते हैं तब हमारे लिए कलयुग होता है। कलयुग का क्या है? दुख। मूर्तम पढ़ोगे प्रमाद में रहोगे आलस्य में रहोगे राग द्वेष में पढ़ोगे दुख के अलावा और क्या मिलेगा? कलयुग में दुख ही दुख है, यही तो पाप है। राग द्वेष करना पाप है, लड़ाई झगड़ा करना पाप है, ईर्ष्या बैर विरोध करना पाप है, मोड़ तोड़ करना पाप है, आलस्य मूर्तम पढ़ना यही तो पाप है। और जीवन में अधिकता इसी की है तो कलयुग है, हर समय कलयुग है आपका। लेकिन राग द्वेष छोड़ दिए, आलस्य मूर्ता का त्याग कर दिए, प्रमाद का त्याग कर दिए, सावधान हो गए तो जाग गए आप, तो पहुंच गए द्वापर में, कलयुग समाप्त हो गया। जिस किसी ने भी राग द्वेष कला कल्पना लड़ाई झगड़ा मार पीट आलस्य मूर्ता प्रमाद का त्याग किया उसके लिए कलयुग समाप्त, कहीं कलयुग उसके लिए नहीं है, उसके लिए द्वापर आ गया, जाग गया ना। लेकिन अभी जागा है, आगे विकास संभावना नहीं, जागा तो है लेकिन बिस्तर पर लेटा हुआ ही है। बस समझ लिए भाई कि ये राग द्वेष करना गलत है, मारपीट करना लड़ाई झगड़ा करना गलत है, आलस्य में पड़ रहना मूर्तम पड़ना ये गलत है, इतने समझ हो गई तो द्वापर में पहुंच तो गए, थोड़ा सा पाप घट तो गया, लेकिन अभी पाप बचा हुआ है आधा, और दुख मिलेगा मिलेगा। तब करना क्या है? खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ, उत्ती समत्रेता भवत, खड़े हो गए तैयार, तीर्थम पहुंच गए। अब भाई अब राग द्वेष नहीं करना है, अब प्रेम समता में जीना है, सेवा करके जीना है, बांट करके खाना है, संतोष करके जीना है, धैर्य करके जीना है, ये भाव मन में आ गया, अब त्रेता में पहुंच गए। लेकिन इनका व्यवहार करने लग गया, आचरण करने लग गया, सबसे प्रेम का व्यवहार सेवा का व्यवहार करने लग गए, अपने कर्म का आचरण करने लग गए, ज्ञान पूर्वक जीने लग गए, आप सत्य कृतम संपदति चरण चलने लग गए, ज्ञान पूर्वक जीवन जीने लग गए, आप सत्य में पहुंच गए, यही जागना है। जो काम करना ज्ञान पूर्वक विवेक पूर्वक करना, जब जो मिल जाए उसमें संतोष रख लेना, नींद खत्म, जब नींद खत्म हो गई तो आपका सुख खोएगा नहीं, आपकी शांति आपका परमात्मा खोएगा नहीं, सोवा तो गैल पीगो है, सो जाओगे तो खो जाएगा, इसलिए जागना। अब जागने का अर्थ क्या है? भागना। जो जागल सो भागल हो रमिया, आप कहते हैं जो जाग गया वो भाग गया। तो भागने का मतलब ये नहीं कि दुनिया से भागना,
कुछ लोग कहते हैं कि ये साधु लोग भाग गए, अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दिए, समझ है। हाँ, यदि साधु निकम्मे होते, आलसी कर्महीन, तो जरूर भागे हैं। लेकिन साधु यदि सेवा परायण है, कर्तव्य परायण है, ज्ञान विवेक विचार पूर्वक जीवन जी रहे हैं, तो भागे नहीं है, जागे हुए हैं। एक छोटे परिवार में थे, उसका त्याग कर दिए, तो पूरी दुनिया परिवार बन गई। एक माता पिता का त्याग किए, लाखों माता पिता मिल गए। साधु जब घर छोड़ता है, तब माता पिता के आंखों में आंसू आ जाते हैं, दुख होता है। लेकिन होता क्या है, एक माता पिता की आंखों में आंसू भर डाल के, यदि साधु सही साधु है, वो लाखों माता पिता की आंखों के आंसू को पोंछ देने वाला होता है। और जो माता पिता की आंखों में आंसू आया था, उनके भी आंखों में फिर आंसू आते हैं दोबारा। जिस समय कोई लड़का साधु बनने के लिए घर छोड़ता है, तो उस समय माता पिता की आंखों में आंसू आते हैं, दुख के आंसू आते हैं। लेकिन बेटा उसका सही साधु हो गया, सही काम में लगा हुआ, लोक सेवा में, कल्याण में काम लगा है, फिर आंसू आते हैं माता पिता के, तब आंसू आते हैं खुशी के आंसू आते हैं उस समय, क्योंकि वो अनेक लोगों को खुशी दे रहा है, अनेक लोगों को प्रसन्नता दे रहा है, क्योंकि जाग गया है ना। सोया हुआ आदमी कुछ लोगों को ही बीच ही रहेगा, जो करेगा कुछ लोगों के लिए होगा, सीमित लोगों के लिए होगा, लेकिन जागा हुआ आदमी जो करेगा वो पूरी मानवता के लिए होगा, पूरे संसार समाज के लिए होगा। क्यों भागा सो रहा है, जितने कुकर्म हैं सबका त्याग कर दिया, कहीं कोई पाप होता ही नहीं उसके जीवन में, कहीं कोई अपराध छल कपट होता ही नहीं उसके जीवन में, तो वही तो सेवा कर पाएगा, वही तो समाज के आंसू को पोंछ पाएगा, सही रास्ता बता पाएगा। और समाज को एक सही रास्ता बताना, सही सीख देना, बहुत बड़ा उपकार है समाज का। किसी को भोजन करा देना उपकार है, किसी गरीब को पैसा दे देना उपकार है, किसी के पास कपड़े नहीं हैं उसे कपड़ा दे देना उपकार है, रोगी है कोई दवा दे देना बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ी सेवा है। ये सब सेवा की आवश्यकता है, आज है, आगे रही है, आगे भी रहेगी। जो लोग ऐसा करते हैं, भूखे को भोजन देते हैं, नंगे को कपड़ा देते हैं, प्यासे पानी देते हैं, गरीब को धन देते हैं, रोगी को दवा देते हैं, वे सब धन्यवाद के पात्र हैं, बहुत बड़ी सेवा उनकी है। लेकिन इनसे बड़ी सेवा है किसी भूले हुए रास्ते आदमी को सही रास्ते पर ले आना। जो दुर्जन है, दुराचारी है, गलत रास्ते में जा रहे, उसको समझा बुझा, दुर्जन को समझा बुझा कर सज्जन बना देना, दुराचारी समझा बुझा कर सदाचारी बना देना, ये बहुत बड़ी सेवा है। क्यों, आज समाज में एक दुर्जन होगा कितनों को कष्ट देगा वह। जैसे एक उदाहरण ले लो, जैसे कोई आदमी शराबी है, अपना कमाता है, खाता है, नहीं अपना कमाता है, पीता है, समाज को लेता तो नहीं है। एक आदमी शराबी हुआ, कहता भाई मैं तो खुद कमाता हूँ, खुद पीता हूँ, तुम्हारा क्या जाएगा। लेकिन जरा सोचो, एक आदमी दिन भर मेहनत करता है, रिक्शा चलाता है, मजदूरी करता है, बढ़ेगिरी करता है, और कोई काम करता है, मजदूरी करता है, शाम को मजदूरी मिली, भट्टी में गया, शराब पी लिया, अब थोड़े पैसे रह गए, वो तो नशा में डाउन, पत्नी को पहनने के कपड़े नहीं है, बच्चों को पहनने के कपड़े नहीं है, पत्नी भूखी बैठी घर में, खाने का अनाज नहीं है, बच्चे भूखे बैठे हैं घर में, अनाज नहीं है, शराबी शराब एक आदमी पी रहा है, भुगत कितने लोग रहे हैं, पत्नी अलग भुगत रही है, बच्चे अलग भुगत रहे हैं, माता पिता अलग भुगत रहे हैं, इसका भार कहाँ पड़ेगा, समाज पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। भले वो अपनी कमाई के पी रहा है शराब, वो असर कहाँ जा रहा है, परिवार पर। अब परिवार भूखा होगा तो असर कहाँ पड़ेगा, समाज पर, देश पर असर पड़ेगा।
अब आदमी शराबी है, शराब पी करके रात में देर से आया, भूखे प्यासे पत्नी और बच्चे सो गए, नींद लगी हुई है, शराबी चिल्लाता है, दरवाजे खोल पड़ा, गाली बकता है, जोर से चिल्लाता है, पड़ोसियों की नींद हराम हो रही है, पीत रहा है आदमी शराब पी रहा है ना, रोज अगर पत्नी को मारता चिल्लाता है, पत्नी चिल्लाती है, पड़ोसी परेशान है, शराबी एक शराबे का आदमी पी रहा है, लेकिन पूरे आसपास के मोहल्लों को परेशान कर रहा है। आदमी मर गया शराब पी का, जल्दी बीमार हो गए, अब पत्नी बेसहारा, बच्चे बेसहारा, भार किस पर पड़ेगा, समाज पर, गांव वालों पर, देश पर। यदि उस एक आदमी को समझा करके हम शराब पीने से मना कर दिया, शराब पीना छोड़ दिया, तो अब क्या हुआ, उसका जीवन बचा, बीमारी बच गया, पैसा बचा, पत्नी के लिए कपड़े में आ रहे हैं, बच्चे के लिए कपड़े आ रहे हैं, पत्नी बच्चे को भोजन मिल रहा है, चिल्लाना बंद हो गया, पड़ोसी आराम से सो रहे हैं, एक आदमी को बचाया गया शराब पीने से, लाभ कितने लोगों को हुआ। एक आदमी को चोरी करने से रोका गया, लाभ कितने लोगों को होगा। वो चोर चोरी करता, कितने घर में चोरी करता, जिंदगी भर ये कमाई लोगों को लूट कर ले जाता, परेशान कितने लोग होते। साधु का यही काम है, यदि सही साधु है तब तो। साधु का जो उपकार है बहुत बड़ा उपकार है, लेकिन साधु कब करेगा, जो जागल सो भागल, जब भाग जाएगा, मोहनिन से भाग जाएगा, स्वार्थ से भाग, अहंकार से भागेगा, सीमित दायरे से भागेगा, जीवन की बुराइयों से भागेगा, तब वो काम कर पाएगा। सदगुरु कबीर कहते हैं, जो जागल सो भागल, जागने का अर्थ है भागना, अब भागने का अर्थ क्या है, गलतियों से, कुकर्मों से भागना। जो आदमी भाग गया वो सुखी हो गया, और नहीं भागा, गलत खा रहा है, गलत पी रहा है, गलत सोच रहा है, गलत कर रहा है, तो उसका सुख गया, परिवार वालों का सुख गया, समाज में अव्यवस्था फैली। साहब कहते हैं, आज तुम जागने की भूमिका में आए हो, ये जीव है जागृत स्वरूप, लेकिन अज्ञान की, मोह की, अविद्या की नींद में सो रहा है, जहां आकर के ये नींद टूट सकती है मानव शरीर, वहां और मोह की नींद जबरदस्त हो गई। जागिए, ये मानव शरीर कल्याण भूमिका है, यहां पूरी सुविधा मिली हुई है कल्याण करने की, जागने के लिए। अब जागने का अर्थ है सारे कुकर्मों का त्याग, राग द्वेष मोह माया का त्याग। जब जीवन निर्मल हो जाएगा तो इस शरीर में बैठा हुआ, शरीर में बैठा हुआ जो आत्म तत्व राम तत्व है, उसको खोजने के लिए, पाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, अपने आप साक्षात्कार हो जाएगा। तो अपने स्वरूप को समझें, और ये समझें कि वो बाहर नहीं है, भीतर है हमारा परमात्मा। अनुभव तब होगा जब जीवन निर्मल हो जाएगा, और इसके लिए जितने कुकर्मों की नींद है, अज्ञान की नींद है, उसको तोड़ना पड़ेगा। सारे नींद को तोड़ दिए, संयम प्रेम दया क्षमा ज्ञान भक्ति धर्म परोपकार के रास्ते में आ गए, तो आप जाग गए, आप सुखी और सुखी, स्वयं सुखी हो गए, हम सुखी हो गए। जहां जाएंगे सतयुग में जिएंगे और सतयुग का निर्माण करेंगे। हर आदमी में ये क्षमता है, अपनी क्षमता को समझना है और समझ करके व्यवहार में ला करके स्वयं सतयुग में जीना है, सतयुग में लोगों को जिलाना है, स्वयं सुखी रहना है, औरों को भी सुखी करना है। सदगुरु कबीर का और संतों का हम लोगों के लिए यही आदेश है। बस अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम,
अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम